हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है टेक्निकल बर्जी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड बोर्ड अपडेट्स। रिजल्ट घोषित होने से पहले ही 11वीं में आप सभी का प्रवेश। बड़ी खबर आप सभी के लिए, सभी छात्राओं के लिए सूचित किया जाता है कि जो भी यहाँ पर 10वीं के छात्र हैं उन सभी के लिए बड़ा अपडेट सामने निकल के आ रहा है उत्तराखंड बोर्ड की तरफ से। आप सभी को ये वीडियो शेयर जरूर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं क्या है बड़ी खबर आप सभी के लिए। देहरादून से बड़ी खबर है, 10वीं का रिजल्ट घोषित होने से पहले या 11वीं में दाखिल, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 अप्रैल, देख सकते हैं आप सभी, 2 अप्रैल 2024 की बड़ी खबर आप सभी के लिए। और आप लोग देख सकते हैं देहरादून से उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं का परिणाम का जो है परीक्षा फल घोषित अभी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले दोस्तों 10वीं का परीक्षा दे चुके हजारी छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी, परीक्षा परिणाम घोषित होने से पहले 11वीं में आप सभी का दाखिल किया जाएगा। मैं आप सभी को बताता हूँ, माध्यमिक शिक्षा निर्देशक महावीर सिंह बिष्ट ने बताया कि इस संबंध में सभी मुख्य शिक्षक अधिकारियों को निर्देश जारी किया है और कहा कि उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा के बाद इन दिनों छात्र छात्राओं की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन का काम चल रहा है। विभाग की ओर से इसके लिए 29 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 16 मूल्यांकन केंद्र गढ़वाल और 13 जो है कुमाऊं में है। तो दोस्तों, उससे पहले दोस्तों आप सभी का जो एडमिशन है, दोस्तों आप सभी को हम बता देते हैं कि 11वीं कक्षा में आप सभी को दाखिल कर दिया जाएगा, ठीक है। बोर्ड की तरफ से दोस्तों यह नया अपडेट आ चुका है आप सभी के लिए, छात्र छात्राओं को जो है 11वीं में एडमिशन दिया जाएगा जब तक रिजल्ट घोषित नहीं होता है। दोस्तों, जब यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको 11वीं प्रवेश तो मिलेगा ही, जो आगे की पढ़ाई है उसमें आप सभी का डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं नए अपडेट, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल फ्रेंड्स।